के और भी जो भी पांच पुरुष हैं ये हमेशा माइंड में रखना है हम लोग। जो भी ऑफिसर है जो कुछ करना चाहता है आपने जल्दी आगे निकल। या एक पॉलिटिकल फिगर होने के नाते जब ये उन्होंने यहां पे ज्वाइन किया कब से हम अब तक इन्होंने हमें कभी कंप्लीट का मौका नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूं कि एक मुलाजिम जब सर्विस के अंदर हो और एक अच्छी कुर्सी पे हो और एक पॉलिटिकल आदमी को मुखालफत करने का मौका न दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जाती तौर पे मैं अपने जो मेरी समझ है बहुत कम अवसर होते हैं जो बैलेंस बनाए रहते हैं। और एक अवसर की सबसे बड़ी खूबी जो होती है जो बैलेंस रखे अपनी सर्विस को निभाए। तो मैं समझता हूं उस फील्ड में भी यहां ये कामयाब रहे। जो भी काम किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज और अपने पीआरएस तो थे ही लेके विशाल के तेवर तरक्की में अपना योगदान दिया। और उसके अलावा जो इनका अपना काम था डिपार्टमेंट ऑफ काम था उससे हटकर यहां पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए जिससे इलाके को टूरिज्म और दूसरी चीजों में एक बढ़ावा मिला। मैं समझता हूं पहले पहले हम सभी समझते थे कि ये क्या है ये लोग बस ये नाच गाना करवाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज से जब आयाम हुआ सेंटर में स्टॉल हुआ उसके बाद सेंटर में कश्मीर और बाहर के कितने लोग वहां आए और कितने हमारे लोगों को वहां रोजगार मिला। जब तस्लीम मानी साहब यहाँ वीडियो का इनाम दिए थे तो हमें बोला गया था अब आपको पता चलेगा कि वीडियो किसको कहते हैं। तो खुशियत होती है तो सबके साथ मिलकर चलना। खैर वीडियो साहब का यहां से जाना दुख तो है अफसोस तो है इसमें शक नहीं है क्योंकि हमने बहुत वीडियो देखे लेकिन ऐसा तालमेल वाला ऐसा काम करने वाला वीडियो हमने देखा। जीसी साहब आए थे आगे आगे वो सेक्रेटरी आए थे आगे आगे जो भी डिपार्टमेंट की जो मित्र आए हमारे वीडियो साहब सबसे आगे वो हमारी ही करना ऐसे और इस तरह के और भी जो भी पांच होते हैं ये हमेशा माइंड में रखना है हम लोग। जो भी ऑफिसर है जो कुछ करना चाहता है आपने जल्दी आगे निकलना है। यहां तो खैर वो कमी नहीं है आप लोग बिल्कुल निकलते हो और ऐसे ही रहना हर एक के साथ। जब भी आप किसी भी ऑफिसर को देखते हो कोई विजन है उसके पास काम करने वाला तो आप एकदम से आगे उसी दो कदम आगे निकलते हो उसके साथ जुड़ते हो उससे वो काम जो किया है वहां पे पुल का काम जो बहुत ही जरूरी काम था उसके लिए हमसे हमारे साथ जो है मिलकर इन्होंने जो है वो पैसा 12.5 लाख जो सेंचेस किया है मैं अपनी पंचायत की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसी के साथ गाड़ी को यहाँ पे इन्होंने सेंक्शन कराया वो गाड़ी आज चल रही है घर घर जा रही है। जो कूड़ा कचरा वगैरह जो रास्ते में पड़ा है वो है बहुत सारे सैनिटेशन शर्ट बनवाए जितने भी इन्होंने काम किए। मैं कहता हूं कि आप सबकी आपने बहुत ज्यादा कॉपरेट किया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की यहां से भी कॉपरेशन मिला इनफैक्ट इंडियन आर्मी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं बचपन से और करनी भी हर एक को करनी चाहिए। यहाँ पे जनरल साहब का ये बता रहा था कि आप सरपंचों को तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये रिकग्निशन मिल रही है ये जैसे अक्रॉस द पार्टी लाइन कहीं भी किसी भी शोबे से कोई भी तल्लुक रखा मुलाजिम है कोई सिविल सोसाइटी से हमारे सरपंच साहिबान है मेंबर साहिबान है तो इनका ये अक्रॉस द बोर्ड कहना कि आपने ताली दो हाथ से बजती रोटी दो हाथ से पकड़ी ऐसा नहीं कि मैं कोई तुरम खान कोई तेजमार खान था ऐसा नहीं है। आप लोग ही इतने जबरदस्त हो इतने प्यार और मोहब्बत देने वाले हो कि मुझे जूनी में यहां आया आपने मुझे अपनाया हमने मिलके ये काम किया जो कुछ भी किया इतना भी ज्यादा नहीं आप बोलते ये भी किया वो भी किया वो भी किया कोशिश की कि अच्छा हो। जैसे पंचायतें 10 है ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहां हमारे वीडियो साहब नहीं पहुंचे हो तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेन हमारा जो है यहाँ इन्होंने जो काम किया है कोई भेदभाव मतलब मेन बाकी ऑफिसर तो काम करते रहते लेकिन अभी जो इन्होंने काम हमारे यहाँ किया
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी पार्टी, हालांकि होते हैं ऐसे ऑफिसर भी देखे आपने कि जो मतलब किसी पार्टी के लिए काम कर रहे, यार ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो इस हजरत ने बताया कि आपने यहाँ आके इस इलाके के लिए जो आउट ऑफ टर्न चीजें काम की, ये रूटीन में नॉर्मली हमने भी किया है, बाकी हमारे साथी भी, हम भी रोज देखते रहते हैं कि भाई किसी ने ये काम किया, इतना एफर्ट जान लगा के कोई नहीं करता। ये इलाके को इन्होंने अपनाया है, तो ये शिकायत भी करते हैं। यदि ज्यादा क्या बोलूंगा कि हमारे इसके बहुत गहरे तो रिलेशन है, अल्लाह ताला इसको इससे भी ज्यादा खोले फले। सर विश्व हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक। पार्टी सभी सारे इकट्ठे हैं, ये छात्रों के अंदर छोड़ी है हमारी हमदर्दी, हमारा प्रेम, हमारी मोहब्बत आपको कभी दिल से दूर नहीं करेगी, आपको हम हर वक्त याद करते रहेंगे, आपकी कारकर्दगी को याद करते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ बिल्कुल एक परिवार का जैसा संबंध बन गया था, चाहे उसमें कोई पीआरआई हो, चाहे सरपंच हो या आम पब्लिक हो, आम पब्लिक के सोशल इम्पैक्ट, ये चीजें आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करती हैं, लॉन्ग रन होता है ये चीज। इन्होंने बड़े डिटेल में समझाया इसके बेनिफिट्स। कोई भी चीज जब एडमिनिस्ट्रेशन करती है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है। हमारे डीसी साहब ने डायनेमिक यंग ऑफिसर एक रीजन लेके हैं यहाँ पे, उनको क्या है, यूपी से अगर है वो यहाँ आए हैं, क्या उनको कुछ पर्सनल कोई इंटरेस्ट है यहाँ मिलना है कुछ उनको, लेकिन उसके बावजूद इतना टेनर में वो इतने अपने टेनर के हिसाब से जो 2 साल का है उससे ज्यादा काम और कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे। तो हमारी इनके साथ विशेष यही रहेगी कि वहां पे जाके आप और किसी तरह काम करें। लेकिन फील भी हुआ, फील इसलिए कि जो आपने मुझे प्यार दिया वो ऐसा प्यार मेरे दिल में बस गया है कि मन ही नहीं करने लगा कि मैं यहां से कैसे टोटी कम पड़ते। इनकी कारकर्दगी को देख के ये जगह जगह खुद पहुंचते थे, जहां कहीं भी ने वीडियो साहब का शुक्रिया करता हूं कि वीडियो साहब ने 2 साल से हमारी पर गुलाब में बहुत अच्छे तरीके से काम किया और ज्यादादारी से काम किया, और हाजी साहब और रोशन आदमी ने बोला कि कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे गुलाब में हैं, ज्यादातर बड़ी सियासत चल रही है, मगर वीडियो साहब ने ये आंच नहीं आने दी कि कोई भी पार्टी किसी के खिलाफ शिकायत करे या कोई को उतना मौका वीडियो साहब ने हमें नहीं दिया कि हम शुक्रिया करते हैं। और हमारी गुलाब में बहुत अच्छा काम हुआ, ज्यादादारी से हुआ।